आदरणीय पूजनीय जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि निफिक्र होकर के अपने मतदान केंद्र के पास जाएं और वोट डालने का काम करें। तेजी, एक और चीज़ बताएं कि जैसे नीतीश कुमार और जो आरजेडी के तेजस्वी जी हैं आपके छोटे भाई, उनके बीच में काफ़ी एक टसल चल रहा है, कितने मजबूत लग शुरू हो चुका है? ले लो, हाथ में ले लो ना, हाथ में ले लो, ए हाथ में ले लो, दूसरे चरण का मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। और मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लें। और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करें। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है सर आपने? लोगों ने चिट्ठी लिखा है, सवाल जो है वो पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री उस चिट्ठी का जवाब या आज जो प्रचार में आ रहे हैं उन बिंदुओं पर वो अपनी बात को रखने का काम करेंगे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था, बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे। और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है, इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार बिहार के जनता का आशीर्वाद है। तेजस्वी आशीर्वाद है।